पड़ता है, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आ जाता है और घर पे आई हुई चीज की हम कदर नहीं करते, पहली कमी। दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, यह लड़का है और मान लो यह लड़का 10,000 की प्राइवेट नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है जी, 10,000 की प्राइवेट नौकरी कर रहा है और आपके पड़ोस में रहता है। आप इसको अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा नौकर मानते हो, यस। आज ये आरसीएम की मीटिंग में आया और इसको आरसीएम समझ में आएगा, कल ये लड़का टाई लटकाएगा और आपके पास प्लान दिखाने आ जाएगा। आप पता है क्या करोगे, आप इसका प्लान नहीं देखोगे, आप इसकी औकात देखोगे। आपके दिमाग में क्या आएगा, यार ये 10,000 कमाने वाला मेरे को क्या बताएगा, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं टीचर, मैं किसान, मैं हाउसवाइफ, यानी आप इसका प्लान नहीं देख रहे हो, इसकी औकात देख रहे हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं। ये बिजनेस लेके नरेंद्र मोदी आपके घर पे आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बिजनेस लेके मुकेश अंबानी आपके घर पे आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि उसकी औकात बड़ी है। लोग इसलिए नहीं समझते, लोग प्लान थोड़ी देखते हैं, लोग उसको देखते हैं ऐसे। तभी ये बेचारे देवेदी जी ट्रेनिंग देते हैं कि जब प्लान दिखाने जाओ तो नहा धो के जाया करो रे भाई, यस के नो, ताकि दिखने में अमीर दिखो, यस के नो भाई, यस। तीसरी कमी, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में पैसा लगता है जीरो। अच्छा, ये दुनिया बिजनेस किसको मानती है? ये दुनिया बिजनेस मानती है जिंदगी भर की बाप दादाओं की कमाई इकट्ठी करो और फंसा दो, कुछ बैंक से लोन ले लो, कुछ घरवाली के गहने गिरवी रख दो, कुछ ससुराल से ले लो और होटल खोल दो, ढाबा खोल दो, पेट्रोल पंप खोल दो, स्कूल कॉलेज खोल दो, मैरिज पैलेस खोल दो, कुछ भी, जीवन भर की पूंजी फंसा दो, ग्राहक आए नहीं आए धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, चाहे पूरे दिन मच्छर मारना पड़े, चाहे लाइट का बिल नहीं निकले, यस या नो? लोग उसको मानते हैं बिजनेसमैन। आरसी में पैसा कितना लगा है? जीरो। तो लोग इसको बिजनेस नहीं मानते हैं, लोग कंपनी मान लेते हैं, मेंबर बनाने का धंधा मान लेते हैं। लोग बोलते हैं तुम तो जोड़ रहे हो, तो जोड़ कौन नहीं रहा? बीजेपी वाला नहीं जोड़ रहा क्या? अच्छा, कांग्रेस वाला नहीं जोड़ रहा क्या? ये डॉक्टर साहब नहीं जोड़ रहे, वो वकील साहब कहां बैठे वो नहीं जोड़ रहे क्या? अच्छा, मैरिज पैलेस वाला नहीं जोड़ रहा, होटल वाला नहीं जोड़ रहा, ढाबे वाला नहीं जोड़ रहा, कौन नहीं जोड़ रहा दुनिया में बताओ? अरे आपके घर में काम वाली आती है, वो भी जोड़ती है कि आज मेरे पास 4 घर है, 5 घर हो जाए तो 2,000 और मिलेंगे, यस या नो? तो और कोई तो जोड़ रहा। चौथी कमी, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है कम। एग्जाम्पल दे, ये मान लो हमारे सरकारी टीचर है, क्या है जी, ये सरकारी नौकरी करते हैं, टीचर है और इनकी पगार है 70,000। कितनी? 70,000। और सिंपल टीचर, सिंपल होता है टीचर, क्या होता है बेचारा? सिंपल कपड़े, सिंपल ड्रेस, धीरे धीरे चलना, आराम से बोलना, यस या नो? यस या नो? तो अब इनकी सैलरी है 70,000 और ये बेचारे सिंपल रहते हैं, लेकिन आज ये आगे आरसीएम में, अब पता है क्या करेंगे? कल टाई लटकाएंगे, कोट पैंट पहनेंगे, छह आरसीएम, गुड आरसीएम, एकदम चेंज आएगा नहीं आएगा? तो घर वाले पता है क्या उम्मीद करते हैं? यार ये सिंपल रहता था तो पगार थी 70,000, अब ये इतना जोश में आ गया, इसका मतलब पहले महीने 2-3 लाख तो आएंगे, पहले महीने इनकम आती है 20 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। डॉक्टर साहब पहले महीने कितनी आई थी इधर आपको? 256। अब जैसे इनकम आती है 256, घरवाली ऐसे देखती है, माँ बाप ऐसे देखते हैं। दुनिया में हर माँ बाप को लगता है कि मेरी औलाद सीधी है, इसको कोई फंसा लेती है, और उस दिन तो पक्का ही लगता है यार मैं तो अच्छा समझ रहा था, पहले कमा रहा था 1 लाख, अभी 250 रुपया, यार होश में घूम रहा है। घरवाली को भी लगता है ये तो एकदम ही सीधा है, यस। तो घरवाले समझाने लग जाते हैं, रिश्तेदार समझाने लग जाते हैं, हम लोग समझाने जाते हैं प्लान, लेकिन वो अपने को समझा के भेज देते, हेलो, ऐसा ही होता। तो साहब, लेकिन साहब आपका आशीर्वाद रहा कि जब मुझे ये प्लान दिखाया गया ना, हम कोर्ट के अंदर ऐसे बैठे थे, चाय पी रहे थे, 8 वकील बैठे थे हम, एक बंदे ने आके प्लान बताया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 7 लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया साहब, हेलो।
और मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। मेरी पहले महीने इनकम जीरो, दूसरे महीने जीरो, तीसरे महीने जीरो। तो मेरे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी मेरे को समझाते थे। पहले तो मैं उनको समझाता था, अब मैं अरसे में आ गया, मैं दुनिया को समझाने जा रहा, लेकिन लोग मेरे को समझा रहे हैं। मेरी पत्नी समझा रही, मेरी माँ समझा रही, पिताजी समझा रहे, वो बोल रहे हैं तू पागल है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले गांव गांव में साबुन बेचता घूम रहा, दुकान ही कर, अगर बेच नहीं है तो फैक्ट्री कर ले, दुकान लगा ले, कुछ शोरूम कर ले, कुछ कर ले, नौकरी कर ले, वकालत कर ले, खेती कर ले, कुछ नहीं तो घर में पड़ा रहे। ये गांव गांव भोगता घूम रहा है टाई लगा के, जय आरसी, गुड आरसी, पैसा तो आ नहीं रहा। हेलो, घर का माहौल टाइट हो गया मेरे। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा तू कह रहे थे इनकम आएगी, इसमें तो रोटियां नहीं मिल रही, क्या करूं? तो मेरी अपलाइन ने कहा भैया तेरी घरवाली पढ़ी लिखी है? मैंने कहा हाँ भैया पढ़ी लिखी है, वकील है। तो बोले भाई तू एक काम कर, दो तीन दिन बाद मीटिंग है, घरवाली को उठा के मीटिंग में ले आ। मैंने ऐसा ही किया, मैं घरवाली को उठा के मीटिंग में ले गया। उस मीटिंग से पता फायदा क्या हुआ? मेरे को टाइम पे रोटियां मिलने लग गई। आज कितने लोग पति पत्नी आए हैं भैया, मेरी गारंटी है भैया आज से रोटियां टाइम पे मिलेगी आपको। हेलो, और जो कुदरत से नहीं लाया है वो आगे कहीं मीटिंग तलाश करना, उसमें जाना भैया। अब मेरे को टाइम पे रोटियां मिलने लग गई, थोड़ा और स्पीड से काम किया, इसलिए मेरी चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। और धीरे धीरे भागदौड़ कम ज्यादा इनकम होती रही, करता रहा, कभी मीटिंग में पीछे, कभी आगे, कभी सीट मिलती, कभी नहीं मिलती, ऐसे चलता रहा मामला। 2 साल बाद मेरी रॉयल्टी आ गई और मेरी रॉयल्टी की इनकम आई 22,478 रुपया। कितनी? उस टाइम डाकिया चेक लेके आता था, ये अकाउंट में नहीं आते थे, आजकल तो पैसे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कई लोग तो बोलते रहते हैं मेरा आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो उस टाइम डाकिया चेक लेके आता था, और जब डाकिया 22,478 का चेक लेके आया, मैं उस दिन घर पे नहीं था, वो डाक मेरी घरवाली ने खोली और घरवाली खुश। मैं गांव का किसान आदमी हूं, जाट हूं, हमारे घर पे एक ही सब्जी बनती है खाने में, लेकिन उस दिन मेरे घर पे 2 सब्जी बनी थी। मैं शाम को आया तो घरवाली अपने आप हंस रही और मेरे को बड़ी प्यार से खाना खिलाया, और मेरे को बोलती है पता है तुम्हारा चेक कितना है? मैंने कहा कितना है? बोले ये देखो 22,400। मैंने कहा बढ़िया भगवान, मजा आ गया। बोले आरसीएम तो बढ़िया है, मैं भी करूंगी। घरवाली को कब समझ में आया? 2 साल बाद। देखो अगर आप घरवालों को समझाना चाहते हो, पति को, पत्नी को, माँ बाप को, भाइयों को, बहनोई को, बहन को, अगर इनको समझाना चाहते हो ना, तो इनको समझाने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, इनको उठा के मीटिंग में लाओ, चाहे बड़ी मीटिंग में ले जाओ, भीलवाड़ा ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, रेवा ले जाओ, यहां ले आओ, एक तो इनको उठा के मीटिंग में लाओ तो समझ में आ जाएगा। और उससे समझ में नहीं आए ना, तो फिर कड़ी मेहनत करो, 20-30-50,000-1,00,000, 2 लाख का चेक निकालो, जब 1-2 लाख इनकम आएगी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भैया। हेलो, आज से 20 साल पहले मेरी घरवाली को 22,000 की इनकम से समझ में आया था, आज क्या ऐसा महंगाई बढ़ गई, तो आपका 1,50,000 से समझ में आएगा भैया। यस, अब मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी आरसीएम करूंगी। तो मैंने कहा करो। 2-4 दिन बाद एक इस प्रकार की मीटिंग थी, मैं घरवाली को उठा के उस मीटिंग में ले गया। वो मीटिंग बड़ी शानदार रही, बड़ी जोश वाली मीटिंग थी, और मुझे भी बड़ा जोश आया, घरवाली भी खुश। शाम को मैंने घरवाली से पूछा, मैंने कहा कैसे लगी मीटिंग? मेरी घरवाली बोलती है मजा आ गया। तो मैंने कहा शुरू करना चाहिए? बोले नहीं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप करो, मैं साथ हूं। तो मैंने कहा तू बोल रही थी मैं करूंगी? बोले मैं तो नहीं कर सकती। मैंने कहा कैसे? बोले आपके इस बिजनेस में 2 कमियां हैं। मैंने कहा कमी क्या है? बोले पहली कमी, आपके सारे जेंट्स काम करते हैं, लेडीज कोई काम ही नहीं करती। कल मीटिंग में 500 लोग थे, लेडीज कोई थी नहीं, मैं अकेली लेडीज थी, लोग प्लान नहीं देख रहे थे, 499 लोग मेरे को ताड़ रहे थे, मेरे को देख रहे थे। हमारे राजस्थान में क्या पर्दा प्रथा होती है? मेरी माँ इन्हें 76 साल की है, ये 20 साल का लड़का जाएगा तो मेरी माँ भी घूंघट निकाल लेती है, और 20 साल पहले थोड़ी घूंघट ज्यादा था। तो उस टाइम हमारे राजस्थान में क्या है, मीटिंगों में लेडीज नहीं आती थी, और उस दिन मेरी घरवाली चली गई 499 जेंट्स, वो मेरी घरवाली को देख रहे कि ये क्यों आई है, ये क्या करेगी? तो उसने कहा मैं नहीं कर सकती, सब लोग मेरे को ताड़ रहे थे, मैं कैसे करूंगी? मैंने कहा यार ये तो सही है। दूसरी कमी बता। बोले दूसरी कमी, जो आपके गुरुजी आए थे बीसी छाबड़ा जी, वो आपके आदमी तो बहुत बढ़िया है, पर उन्होंने बोला कि आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा।
और आरसी में लेडीज कपड़ा आता नहीं है, तो फिर मैं क्या पहनूं, मैं कैसे करूंगी। मैंने कहा बात तो सही है, मैं थोड़ी देर सोचता रहा, मैं थोड़ा शरारती हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक शरारत आई, मैंने कहा तू अंदर से कैंची ला, कैंची समझ रहे, वो अंदर से कैंची लाई। उसके इतने इतने लंबे बाल थे इस बहन के, है ना, वो ऐसे पीछे कर रखा था ना, मैंने क्या किया पकड़ के उसका काट दिया, जड़ मूल से कट सीधा ही, कैंची बढ़िया थी, अपने काम हो गया। तो मेरी घरवाली अब तो बोले पागल हो क्या, मैंने कहा क्या हुआ, बोले खत्म। मैंने कहा खत्म, बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा तेरी दोनों समस्याओं का समाधान। बोले कैसे, मैंने कहा कल तू केले के पास चल, तेरे कोट पैंट टाई लगवा देता हूं, बाल होंगे नहीं, कोट पैंट टाई पहनी होगी तो मीटिंग में जाएगी ना साला, 70% को तो पता ही नहीं चलेगा कि लेडीज या जेंट्स, एक तो तारने से पीछा छूट जाएगा, लोग जो ढकी हुई चीज होती है ना उसको ज्यादा देखते हैं, यस या नो, तो एक नंबर तारना बंद हो जाएगा। नंबर दो, अब आरसी में लेडीज साड़ी सूट तो है नहीं, मैं कहां से लाऊं, टीसीजी मेरी बात मानेंगे नहीं, तो तू पेंट कोट टाई लगा। बोले ठीक है। अगले दिन उसके पेंट कोट सिला के काम शुरू करवा दिया। दो